महोदय की बात करें, एक तरफ तस्वीरें दिखाऊं आपको रंगारंग, और मैं अपने विजय से कहूंगी कि तेज कदम में चलते हुए पूरा जो ये रास्ता है आपको तस्वीरें दिखाएं कि त्रिपुरा मोर्चा के जो समर्थक है वो दूर दूर से जिलों से आकर के यहाँ पर कान लगा करके एक एक जो अपडेट आ रहा है काउंटिंग सेंटर से वो सुन रहे हैं। चार राउंड्स के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी दूं अमन, चार राउंड्स की लगभग गिनती हो चुकी है। करीब 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी लेफ्ट कांग्रेस का जो अलायंस है उनके बीच में 200-300 मात्र वोटों का अंतर है। तो अब जो है थोड़ी देर में परिस्थिति पूरी साफ हो जाएगी कि ये हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहा है या फिर क्लियर किसी को जो है वो मेजोरिटी मिलती है सरकार बना ले लाए। इस बीच देखिए त्रिपुरा मोर्चा के जो समर्थक हैं उनकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आदिवासी वोटर हैं ये वो वोटर हैं जिन्होंने इस बार बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़ा जो है त्रिपुरा मोर्चा जो पिछले चुनाव तक दल भी नहीं था, कांग्रेस में थे प्रद्युत देवबर्मन, वहाँ से निकले, अपना दल बनाया और अब 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, 20 सीटों पर दावा ठोक रहे थे, लेकिन फिलहाल डबल डिजिट में मामला तो जा ही रहा है। ये साफ जो ट्रेंड्स हैं वो दिखा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग, कितने घंटे से? हम त्रिपुरा से। कहाँ, कितनी दूर? अच्छा, तो क्या तैयारी है सेलिब्रेशंस वगैरह की? सेलिब्रेशन की तैयारी है। ये देखिए ये युवा पीढ़ी बिल्कुल फोन में घुसी हुई है। आगे देखिए ये पूरी सड़क आपको जो है आपको बैठे हुए नजर आएंगे त्रिपुरा मोर्चा के ये जो समर्थक हैं दूर दूर से आए हैं। और त्रिपुरा मोर्चा को ही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर संख्या कम रह जाती है तो किंग यानी प्रद्युत जिनकी ये पार्टी है त्रिपुरा के महाराज हैं उनको ही किंग मेकर बनना पड़ेगा, वो उसकी भूमिका में आ जाएंगे और हो सकता है कि सत्ता की सीढ़ी भी वो चढ़ें अगर भाजपा की एक दो सीटें कम रह जाती है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सुबह तक दावा किया है कि नहीं पूरी मेजॉरिटी से सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर कम रह जाते हैं तो क्या त्रिपुरा मोर्चा साथ आएगा? लेकिन त्रिपुरा मोर्चा जहां भी लड़ रही है या तो बहुत कम उनको वोट्स मिले या बहुत ज़्यादा, तो क्लियर कट जो एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है एक कारण से एक कह सकते हैं कि एक आंदोलन शुरू किया ना सिर्फ एक पार्टी प्रद्युत देव बर्मन ने, वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके अलावा लेफ्ट कांग्रेस और बीजेपी, लेफ्ट कांग्रेस का जो अलायंस है एक तरफ वो एक तरफ बीजेपी, कांटे की टक्कर चल रही है। तो अगर कहीं ना कहीं संख्या कम रह जाती है अमन तो बड़ी भूमिका में त्रिपुरा मोर्चा आ सकते हैं, प्रद्युत देव बर्मन आ सकते हैं। और जो पहले भी मैंने आपको बताया 11 सीटें करीब आशिका आपके पास आ रहे हैं। शालिनी इस वक्त नागालैंड से जुड़ गई हैं। शालिनी, नागालैंड में तो पिक्चर क्लियर है? बिल्कुल अमर, नागालैंड में पिक्चर क्लियर है और जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी मैं ये बात बता रही थी कि किस तरह से नागालैंड में विपक्ष था ही नहीं, चुनावों के पहले भी विपक्ष यहाँ पे था नहीं और लगभग वैसी स्थिति चुनाव के बाद की भी शुरू से ही समझ में आ रही थी, क्योंकि सिर्फ एनडीपीपी और बीजेपी का अलायंस ऐसा था जिसने 60 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा है, बाकी पार्टियों ने तो 60 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा भी नहीं था। तो वो स्थिति पहले ही साफ थी जब 30 जो मेजोरिटी का आंकड़ा है 30-31 का, जब उतनी सीट पर ही कोई पार्टी नहीं है, कोई अलायंस नहीं है, तो स्थिति पहले से ही स्पष्ट समझ में आ रही थी। एकमात्र एनपीएफ की अगर हम बात करें तो वो भी सरकार को समर्थन कर ही रही थी और इसीलिए बार बार मैं ये कह रही थी कि विपक्ष जहां है ही नहीं वहां कौन सी पार्टी किसके विरुद्ध चुनाव लड़ रही है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है, वो समझ पाना जरा मुश्किल दिखाई दे रहा था। मैं डीसी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर बिल्कुल सन्नाटा है। इसके पहले बीजेपी दफ्तर के बाहर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, एक भी कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस के बाहर नहीं था, क्योंकि नागालैंड का ये चलन नहीं है कि अगर आप जीत गए तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हो हल्ला हो, और ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि देखिए नलिन कोहली से तो हमने बात कर ली, लेकिन वो चेहरा जो बहुत ज्यादा फेमस है नागालैंड के अंदर अलोंगतकी सीट से तेमजन इमना जो कि अध्यक्ष है यहां के, वो भी न दीमापुर में दिखाई दिए और ना ही वो कोहिमा गए जो कि यहां की राजधानी है, वो सीधा अपने क्षेत्र चले गए। अमूमन यहां पर यही होता है अमन की जो चुनाव जीता है वो अपने घरों की ओर रुख कर लेता है और बहुत ज्यादा यहां पर हो हल्ला या धूम धड़ाका नहीं होता है। सुबह कुछ समर्थक मुझे दिखाई दे रहे थे, पिक्चर जैसे जैसे क्लियर होती गई वो भी अपने अपने घरों को लौटते चले गए। तो इतना जरूर है कि यहां पर क्लियर मेजॉरिटी एनडीपीपी और बीजेपी के पास है, लेकिन सोचना कांग्रेस को है क्योंकि 2013 में 28% वोट शेयर था कांग्रेस के पास, 8 सीट उस वक्त थी और ये 10 साल के अंदर, क्योंकि 2013 में बीजेपी को 2% वोट भी नहीं मिला था और सीट मात्र एक उसके पास थी, तो ये इतना बड़ा उलटफेर 10 साल के अंदर कि
कांग्रेस खत्म हो गई और बीजेपी यहां पर पार्टी भले ही अलायंस में लेकिन पार्टी बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो ये कांग्रेस को सोचना होगा। और इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में जब चुनावी कैंपेन चल रहा था तो हमने देखा राहुल गांधी एक बार भी चुनाव प्रचार के लिए नागालैंड में आए ही नहीं, तो ये लगभग वैसी स्थिति थी कि आपने चुनावों के पहले ही सरेंडर कर दिया हो। 22-23 सीट के ऊपर यहाँ पर चुनाव लड़ी है कांग्रेस, तो उस स्थिति में अगर सारी की सारी सीटें भी कांग्रेस जीत जाती तब भी ये पता था कि उनको आना तो है नहीं, क्योंकि 30 सीट के ऊपर अनाउंसमेंट कुछ हो रही है यहाँ पर हमें सुनाई दे रहा है। तो लगभग स्थिति चुनावों के पहले से ही अमन क्लियर थी कि यहाँ NDPP और बीजेपी की सरकार आने वाली है। जो कुछ एक पार्टियां थी जैसे चिराग पासवान की पार्टी LJP, उसने पहले ही कह दिया था बीजेपी जहां जहां चुनाव लड़ रही है वहां वहां हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। तो NDPP के सामने तो 15 कैंडिडेट LJP ने उतारे थे, उसका मतलब भी साफ था कि अगर वो जीत जाएंगे तो फिर बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। तो स्थिति चुनावों के पहले से ही अमन यहाँ पर यही दिखाई दे रही थी कि पार्टी NDPP और बीजेपी की बननी है जी। और त्रिपुरा में 32 हो गई है बीजेपी, बड़ी खबर है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है, 29 से 32, सोचिए 31। और जो अभी आशिका जिसका जिक्र कर रही थी कि हो सकता है त्रिपुरा में उठा की जरूरत पड़े, वो जरूरत पड़नी नहीं है। यहां पर बीजेपी 32 सीटों पर इस वक्त आगे हो गया, बहुमत का आंकड़ा 31 है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को रुझानों के हिसाब से बहुमत मिल चुका है, 32 सीटों पर बीजेपी आगे, यानी कि सरकार रिपीट हो रही है त्रिपुरा में। पहले वहां पर बीजेपी की सरकार थी, बिप्लब देव मुख्यमंत्री थे, फिर माणिक साह को मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रो इनकम्बेंसी। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग तय, 32 सीटों पर बीजेपी। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी NDPP के साथ मिलकर बीजेपी और NDPP की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। मेघालय को लेकर पेंच फंसा हुआ है, मेघालय में 60 चाहिए, NPP 26 पर है। अन्य की भूमिका, बीजेपी की भूमिका क्या होगी? हमारे साथ इस वक्त विवेक हैं। विवेक, त्रिपुरा क्लियर 32? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं आप जिस तरीके से उसका आपकी समीक्षा कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है। और एक दिन पहले से ही सभी लोग ऐसी फिगर की आस लगाए बैठे थे और अभी जो दिख रहा है उसमें कुछ नयापन नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि मेघालय पर आकर थोड़ा हिचकिचाहट इसलिए हो रही है, हंग असेंबली की बात चल रही थी, लेकिन यहाँ भी अगर आप जोड़ घटाओ थोड़ा कर लें, जोड़िए ही अभी अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर भी फिगर एक दिखता है। लेकिन मेघालय से अभी क्या खबर है, क्या बड़ी न्यूज़ है, ये हम आपको बताते चलते, क्या खबर है? देखिए अभी तक जो माना जा रहा है कि जो वेस्ट जयंतिया हिल्स है उसमें नरतेंग की जो सीट है उस पर NPD के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं, लगभग बहुत कम मार्जिन है जीतने में, तो अभी हम कह सकते हैं कि कुछ सेकंड का अंतर है, उसके बाद हम फिर से डिक्लेयर करेंगे। ये कम मार्जिन क्यों है, क्या ये बरकरार रह रहा है, क्योंकि मेघालय में हम अक्सर देख रहे हैं दो सीटों पर हमने इस तरह का विश्लेषण किया। अभी कई राउंड की इसमें जो हमने अभी जो काउंटिंग हुई है, बिल्कुल, कि जितने राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें देखा है कि लगभग 300 400 500 का इतना ही मार्जिन रह रहा है सिर्फ, कई सीटों पे ऐसा है। बिल्कुल सरप्राइजिंग है, थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन प्रांजल हमें बताएंगे, प्रांजल जरा सुनिएगा।